यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस्ती में कुछ दबंगों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक नाबालिग छात्रा को केरोसिन डालकर जला दिया। पीड़ित को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 17 साल की पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया है कि वो बर्तन साफ कर रही थी, तभी सातों आरोपी पहुंचे और छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर दबंगों ने उस पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी। लड़की की चीख सुनकर पीड़ित की मां वहां पहुंची और किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक छात्रा काफी जल चुकी थी। पीड़ित का अस्पताल में इलाज हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पीड़िता के आरोप लगाने के बावजूद पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस दावा कर रही है कि छात्रा को जमीन के विवाद की वजह से जलाया गया है। इसके पिता सुदामा प्रसाद शुक्ल ने बच्ची की तहरीर दिया, उन्होंने कि इन लोगों का जमीनी विवाद था। दोनों पक्ष, दोनों शुक्ला पक्ष हैं, वो एक जमीन को खरीदना चाह रहे थे जो सुदामा प्रसाद के घर के पीछे का है, उसी को लेकर के जेसीबी से बता रहे हैं खुदाई भी चल रही थी, तभी इन लोगों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और उसी में उस बच्ची के ऊपर बता रहे हैं कि एक बोतल में मिट्टी का तेल ला करके छिड़क करके वो माची से जला दिए। कार्रवाई कुछ नहीं होती, कार्रवाई नहीं है तो 8 बजे रात के घर आएंगे।